लिबरेशन वालों सरकारी हस्पताल की पार्क विच दी रैली करके शहर विच मार्च किया गया। इस मौके रैली नूं संबोधन करदिया पार्टी के केंद्रीय कमेटी मैंबर कॉमरेड परशोत्तम शर्मा और सूबाई आगू कॉमरेड गुरप्रीत रुड़ेके ने कहा कि मोदी सरकार वालों गरीबों की आटे तक की भी टैक्स लाया गया, दूजे पासे कॉरपोरेट घराणे के 5.5 लाख करोड़ तक का टैक्स माफ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब औरतों मजदूर किसानों का कर्जा मुआफ़ नहीं किया, पर अपने चहेते पूंजीपतियों के 12 लाख करोड़ के करीब कर्जा मुआफ़ कर दिता। बरनाले तो हरप्रीत शर्मा की रिपोर्ट, लाइव भारत। सीलिंग कानून कहते हैं, वो सीलिंग कानून भी 1857 में पूरे देश के अंदर कम्युनिस्टों की लड़ाई के बल पर ही बना है, क्योंकि आजादी से पहले भी हम लड़ते थे कि जमींदारी विनाश कानून इस देश के अंदर बनने चाहिए, जागीरदारी का खात्मा होना चाहिए, राजे रजवाड़ों के राज खत्म होना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, नया संविधान बनना चाहिए और ये जो धन और धरती है इसका बंटवारा सब लोगों में बराबर होना चाहिए। ये जो नारा कम्युनिस्टों का था, पूरी दुनिया के अंदर हम ये जो नारा देते हैं कि धन और धरती बट के रहेगी, क्योंकि ये धन और धरती जो है, ये जो धरती है इससे सारी चीजें पैदा हुई है और धन जो है वो मजदूरों की किसानों की मेहनत से पैदा होता है। तो जो धरती हमको प्रकृति ने दी है और जो धन मजदूर और किसानों ने अपनी मेहनत से कमाया है इस पर चलना है। जी, मैं कॉमरेड गुरप्रीत रुड़ेके CPIML लिबरेशन का मैं सूबा कमेटी मैंबर हाँ। अज साडा जिहड़ा प्रोग्राम हैगा CPIML लिबरेशन वालों इत्थे रैली करके उस तो बाद शहर दे विच मार्च करना है। अज की रैली दे साडे मुख्य जिहड़े मुद्दे नेगे, पंजाब सरकार ने लोगों नाल बहुत बड़े बड़े वादे किए सीगे, जिहदे विच उन्होंने कहा सीगा वी असीं 1,000 रुपया औरतों के खाते च पावांगे, किसी ने नहीं पाया। उन्होंने कहा सी बेरोजगारी खत्म करांगे, बेरोजगारी दिन पर दिन होर वधदी जा रही है, भुखमरी दिन पर दिन वधदी जा रही है। उल्टा सरकार ने किया कि है भी जिहड़ा कुछ मजदूरों को पहला मिल रहा है, जिस तरह फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सस्ता अनाज मिलता सी, उस अनाज के 11% कट दिता गया, उन्होंने बहाल कराने का सवाल है। दूसरा सवाल नरेगा, जिहड़ा 100 दिन का एक्ट कम्युनिस्ट पार्टियां ने लड़के बनवाया सीगा, उस एक्ट के 700 करोड़ रुपया फंड है जिहड़ा इस बार वो कटवा दिता गया गा। ये तमाम मुद्दों को लैके असी अज प्रदर्शन कर रहे हैं और साडा पार्टी का मुख्य जिहड़ा एजेंडा है वो हैगा असी मजदूर जमात को जमीना के मालक बनाने लई एक जद्दोजहद कर रहे हैं, क्योंकि जमीन इत्थे मुट्ठी भर घराणे कोले फिर इकट्ठी होंदी जा रही है। असी चाहुंदे हां वी जिहड़ा 17.5 एकड़ का कानून इत्थे पहला बनया होया उहनूं तोड़ के 10 एकड़ का कानून बनावे, वाधू जमीन जिहड़ी साडी उह बेजमीन लोकां च वंडी जावे। ये मंग असी तां रखदे क्योंकि जमीन आ जिहड़ी किसी ने पिछों नहीं लैंदी हैगी, ये जमीन कुदरती है, कुदरती स्रोत के उपर हर एक का हक है और जे सरकार नहीं करूगी साडी कम्युनिस्ट पार्टी उहनां ते विरोध करदी रहेगी।